ये कौन बड़ी बात है। नीतीश कुमार पहले भी दो तीन गो प्रेसिडेंट को, जॉर्ज साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। जी सर, बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से जो है घर वापसी हो जाए या बीजेपी के साथ वो जुड़ना चाहे, तो क्या इसकी आपको संभावना नजर आ रही है? बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाएंगे। जी सर, एक तरफ ये सिचुएशन बन रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, एक तरफ वो खुद कहते हैं कि मैं पीएम कैंडिडेट के लिए हूँ, इंडी अलायंस से भी जो है उनका नाम उठता है, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडी अलायंस तो आज तक संयोजक भी नहीं बनाया, अब इसी सब के लिए भले कुछ इधर उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नामों नहीं ले रहा है। जी। से कुछ ही दिनों में जो है राम मंदिर का भी उद्घाटन होगा। देखिए, भारत का ये अमृत काल चल रहा है और सैकड़ों साल बाद जिस आक्रांता बाबर ने तोड़ा, अब पहली बार भारत अभी अमृत काल में सांस्कृतिक उद्भव में चल रहा है। आप देखिए केदारनाथ का, आप देखिए महाकाल का, आप देखिए काशी का, आप जहां भी देखिए एक तरह से सनातन के वैभव काल है ये, और इसमें राम मंदिर का बनना ये भारत के लिए इससे बड़ा उत्साह, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता भारत के तमाम हिंदुओं के लिए। अलग बात है कि कुछ लोग को, कांग्रेस को ये पसंद नहीं होगा, लेकिन देश की जनता को पसंद। सर, जैसा कि आपने बोला है, लेकिन इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। अरे भाई, हम राजनीतिक थोड़े कर रहे हैं, मेरा संकल्प था। अच्छा ही बताइए, राम के बगैर भारत की पहचान बन सकता है क्या? इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग तो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी घोषित है, जिसको आना है आके दर्शन करो, जो नहीं आएंगे वो चूकेंगे, जो आएंगे भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। सर, जो लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। जो नहीं आ रहे हैं वो त्रिपुंड तो लगाएंगे, कोट के ऊपर जनेऊ तो पहनेंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं कि वोट न खराब हो जाए, यही हाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।